जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली वेट इज़ ओवर। फिर आई हसीन दिलरुबा मूवी आउट हो चुकी है। और इस मूवी के बारे में बात करें तो एक भाभी होती है जिसके दो आशिक होते हैं, एक उसका पति जिसको कोई काम धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं करता है, नौकरी नहीं करता है, रोटी नहीं कमाता है, सिर्फ अपनी पत्नी के पीछे पड़ा रहता है। प्यार ही उसको चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी को वही प्यार में बंटवारा चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, उसी कंसेप्ट पे आधारित है ये मूवी। तो आज हम इस मूवी के बारे में दमदार रिव्यू करने वाले हैं, तीखे तीखे कमेंट्स करने वाले, तो प्लीज़ अंत तक जरूर से बने रहे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। दरअसल फ्रेंड्स, तापसी पन्नू की बात करें तो हॉट अदाकारा तापसी पन्नू एक भाभी का रोल निभा रही है। ये वही भाभी है जो 250-250 वाली साड़ी पहनती है, और फ्रेंड्स उसको सिर्फ चाहिए अटेंशन, नौजवान का अटेंशन चाहिए। और जो उसकी कैटेगरी में फिट होता है उससे वो इम्प्रेस हो जाती है, उसको घर पे बुलाती है, और फ्रेंड्स उसके बाद शुरू होती है बैड कबड्डी। जी हाँ फ्रेंड्स, रोमांस होता है, और फ्रेंड्स उसका कुकोल पति दरवाजे पे खड़े खड़े ये सीन्स को एंजॉय करता है और गर्म हो जाता है। और उसके बाद उसके आशिक से रिवेंज लेने की वो सोचता है कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुमने कैसे कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी कंसेप्ट पे आधारित है ये मूवी। विक्रांत मैसी की बात कर तो एक लाचार पति के तौर पे वो देखने को मिलने वाले हैं। सनी कौशल की बात करें तो हैंडसम नौजवान सनी कौशल फ्रेंड्स हाफ बाइक के शर्ट्स में वो बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं। और उसके डुल्ले सोल्ले देखने के बाद तापसी पन्नू इंप्रेस हो जाती है कि मेरे पति के इतने डुल्ले सोल्ले नहीं है जितने डुल्ले सोल्ले तुम्हारे हैं, तुमने बहुत ही हाथ लारी चलाई होगी ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सनी कौशल की एक्टिंग मुझे बहुत ही दमदार लगी, मूछें पटाकर आए हैं, और उसकी मूछें तापसी पन्नू को बहुत पसंद आई है। फ्रेंड्स विक्रांत मैसी की बात करें तो उसने भी अच्छी एक्टिंग की है, उसका एक हाथ नहीं है फ्रेंड्स, उसी के कारण उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हो चुकी है कि एक हाथ से तुम काम कैसे करोगे, उसी के कारण वो डिसेटिस्फाइड है और सनी कौशल के पीछे चली गई है। सनी कौशल और तापसी पन्नू की केमिस्ट्री आपको बहुत ही पसंदीदार लगने वाली है। सस्पेंस की बात करें तो कहानी सस्पेंस से भरी हुई है, कनिका ढिल्लो ने इसका डायरेक्शन किया है, और फ्रेंड्स डायरेक्शन मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, लेकिन भाई दूसरा पार्ट नहीं बनाना चाहिए था। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन मुझे लगता है कि कनिका ढिल्लो ने इसका कंसेप्ट बहुत ही दिल से लगाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसको ऐसा होता होगा कि इस भाभी को दोबारा किसी नौजवान के चुंगुल में फंसाया जाए और एंजॉय किया जाए। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 2 स्टार। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी दमदार रिव्यू करता रहूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता है, धन्यवाद।